मॉर्निंग, आपके अपने YouTube चैनल मैथ FT में आप तमाम लोगों का स्वागत है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। इसलिए कि दिसंबर में एग्जामिनेशन ऑन हो गया, तैयारी कर रहे हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। 99 पूर्णांक 43 बटे 48 गुणे 48 बराबर वाट, इसमें इसको जो लोग सॉल्व करते हैं विद्यार्थी या जो भी हो, वो 99.99% लोग इन सवाल को गलत करके निकलते हैं। मैं आपको आज इन सवाल को सॉल्व करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको तीन तरह का ट्रिक बताएंगे। वो जो तीनों ट्रिक में जो आपको पसंद हो, जो आपके ब्रेन में जगह पड़े, आपके खोपड़िया के झोपड़िया में जो भी बैठ पाए, उनको बैठा लिए और एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के सवाल को बना के निकल जाइए। यहाँ 48 दोनों बराबर है, कहीं आपको ये बराबर नहीं मिलेगा, दोनों डिफरेंट मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहें, वो डिफरेंट वाला भी बताएंगे कि कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे उनको बराबर करेंगे। और जैसे इस देश में नेता की गारंटी नहीं है, कभी भी जनता को छोड़ के भाग सकता है, भाग सकता नहीं, भाग निकला है, निकलेगा भी नहीं, भाग निकला है, उसी तरीके से जनता भी अखाड़ा छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग जाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पे बने रहें, ये अद्भुत ट्रिक को देखें। तीन तरह का टेक्निक बताएंगे, इसमें से जो भी पसंद आएगा उसको समझ के एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बना के आप निकलेंगे। ऐसे देश में भीड़ ऐसी ही पहले से भीड़ है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे भीड़ की शक्ल में नहीं जाए बल्कि कम्पीट करने की शक्ल में जाए। देखिए, इसको बनाने से पहले एक बात समझिए, एक पूर्णांक 2/3, इसका क्या मतलब हुआ? इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जोड़ दिया, 5/3 हुआ। कभी आपने नहीं सोचा कि ये मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के बीच का क्या साइन होगा, ये कभी नहीं सोचा। हमेशा याद रखिए, इन दोनों के बीच का साइन हमेशा ये प्लस होता है, यानी 1+2/3, इनका LCM होगा 3। इसको 1 कर दीजिए, 3 में 1 से भाग नहीं लगेगा, 3 बचेगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और वही कहानी 2, ये होगा 5/3, ये 5/3 5/3 के बराबर हुआ। दूसरी बात समझिए आप, भागिए मत, यहाँ लिखा हुआ है -2/3, फिर नहीं घबराने का कि ये जो माइनस है सिर्फ 1 के लिए है, नहीं, ये माइनस पूरे के लिए है। ये हुआ, इनको सॉल्व कर लीजिए, इनका हर हो गया 3, फिर वही -3 -2, ये बराबर हो जाएगा -5/3। इनको हल करके देख लीजिए, 3 को 1 से, 5 से साइन माइनस रहेगा, 3 1 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5/3, ये 5/3 दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ। आइए सवाल को कैसे हल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 48 इस पूरे पाठ के लिए गुना है, न कि सिर्फ इसके लिए गुना है, ये पूरा एक पाठ है। तो इनको गुना करने का तरीका, 9 × 48, इनको एक पाठ बनाइए, अब प्लस होगा उनके बीच 43/48 -48, यहाँ 48 बराबर है, कहीं आपको बराबर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ देखिए, 99 को, कोई भी 9 को, 1 9 हो, 2 9 हो, 3 हो, 4 हो, 50 9 हो, उनको किसी नंबर से गुना करना है। उस नंबर को उठाइए, जितना 9 है उतना उस पर 0 रखिए, जिस नंबर पे 0 रखा उसको इसमें से घटा लीजिए, ये आपको 4752 हो जाएगा। नहीं तो घटा लीजिए, 10 में 60 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 8, 8 में से 7 गया 4752। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 4752। साइन यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, ये 48 से 48 कट गया, ये होगा 43, जोड़ दीजिए 5, ये 3 2 5 4 5 9, बाकी जो बच गया वो यही आपको जवाब मिलेगा, 4795। ये पहला ट्रिक आपको मैंने बताया, 4795 इनका 100% करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा तरीका देखिए कैसे बनाते हैं, अगर आपके दिल को छू जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं छूता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख लें। दूसरा तरीका देखिए, उसी 48 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप पहला वही रहेगा, अब प्लस 43, अब बटे कितना हुआ 48, अब मल्टीप्लाई 48। अब देखिए 9 को 0 वाला का झमेला हटा दीजिए, पहले हमने 2 0 रखा था, अब 2 0 नहीं रखना है, ये 48 में से 1 घटा लीजिए, इन पार्ट के लिए मैं बोलता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 47। ये 2 डिजिट है इसलिए 2 बॉक्स बनाइए, अब 2 बॉक्स बनाए, नीचे ऐसे देखिए 2 बॉक्स बनाया, अब 4 में कितना जोड़िएगा कि 9 होगा तो 5 जोड़ेंगे, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 2 होगा। इसका माली हुआ कि यह हुआ 4752 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 48 48 कट गया, प्लस इसमें कर जोड़ दीजिए 43, ये बराबर आइए, 3 2 कितना हुआ
पाँच चार और पाँच और चार कितना हुआ 9, ये 47 अपनी जगह पर रह गया 7 4, ये 4795 की जगह पर रहा। ठीक, ये सवाल नंबर, ये ट्रिक नंबर 2 बताया, जवाब आपको मिल रहा है ना। ट्रिक नंबर 3 देखिए, भागिएगा मत नेता के तरीके से, जैसे नेता भाग निकलता है वैसे आप मत भागिएगा। देखिए ये ट्रिक, ये अद्भुत ट्रिक है। फिर वही सवाल रहा और इसमें कुछ नहीं करने का, 99 है, इनको मल्टीप्लाई किया 48 से, एक पार्ट प्लस रहेगा 43, अब बटे कितना हुआ 48, और गुने होगा कितना है ये 48, कुछ नहीं करने का। अब इसको वही कोई भी पार्ट को उठा लीजिए, 2 जीरो ही रख दीजिए, तो 48 में 2 जीरो रखा, फिर इसमें से माइनस 48 घटा लिया, ठीक, माइनस 48 घटा लिया तो ये कितना बच जाएगा 4752, बाकी कुछ नहीं करने का। इन पूरे को भूल जाइए, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, 43 और 48 के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 43 और 48 के बीच 5 का डिफरेंस होगा। आइए, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा था इसलिए किया, वही पाठ ये तीसरा मेथड है, सबसे आसान मेथड है। 99 को 48 से करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जितना 99 है उस नंबर पे ज़ीरो रखेंगे, इनका काम हो गया ख़त्म। अब इनके बारे में आइए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये न्यू डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, कहीं काट कूट नहीं करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, 48 और 43 के बीच कितना का डिफरेंस होगा, 5 का, 5 को उसमें से घटा लेना है, यानी यहाँ माइनस 5 लिख डालिए आप, 5 इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 5 किया 5, ये बच गया 9 के 9, ये बच गया 7, ये हो गया 47, अब देखिए 4795 ये इनका जवाब हुआ। लास्ट वाला जो ट्रिक है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जिस नंबर पे 99 से गुना करना है उस पे 2 जीरो रख के दोनों के डिफरेंस को घटा लेना है, तो 4795 जवाब आएगा। एक दूसरा सवाल देखिए, भागिएगा मत। आइए सवाल नंबर 2 देखिए, नंबर ऑफ द 9 हमने बढ़ा दिया, कुछ नहीं करने का, बराबर वही टेक्निक, 99 को एक बार 34 से मल्टीप्लाई करना है, अब प्लस 21/34 और गुने 34, ठीक। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था जितना 9 हो उतना 0 रख दीजिए, उसी में से माइनस 34 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 33,966, घटा के आप देख लीजिए, ठीक, 33,966 प्लस ये इससे कट गया, बच गया आपको 21, बराबर आइए यहाँ पे बराबर आइए 33,966, इसमें 21 जोड़ दीजिए, 6 × 1 कितना 7, 6 × 2 8, 1 × 9 1 × 3 1 × 3 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 33,987 यही इनका जवाब होगा। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड देखते हैं, भागिएगा मत। दूसरा मेथड देखिए, 999 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें 34 में से 1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 33, ये 2 डिजिट है तो 2 बॉक्स बनाइए। अब देखिए कि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 6 जोड़ेंगे, इस 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 6 जोड़ेंगे, तो ये आपको बराबर हुआ 3366, अब प्लस ये साइन रहा, ये 34 34 कट गया, ये बचा 21, इनको जोड़ दीजिएगा तो 7 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, और ये होगा 3, ये होगा 3, कहीं मिस्टेक हो गया यार, 33,000 एक सेकेंड, आइए वो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ आया आपको 34, 34 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 33, यहाँ 3 डिजिट का है इसलिए इसमें 1 डिजिट 1 जीरो रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस 3 डिजिट हुआ, 3 बॉक्स बनाइए, अब 0 में देखिए कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, ये बराबर क्या हुआ 33,966, ये 34 से 34 कट गया, अब प्लस कितना होगा 21, इसमें इसको जोड़ दीजिए, 21 को इसमें प्लस कर दीजिए, 6 × 1 कितना होगा 7, 6 × 2 कितना होगा 8, 9, आइए अपनी जगह पे 33,987 ये एक जवाब रहा। तीसरा मेथड भी देख ही लीजिए, तीसरा मेथड भी देखिए जो काफ़ी आसान है। तीसरा मेथड देखिए, यही वही उपाय करना है कि 99 को 34 से 1 के स्टेप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरा 21/34 और गुने 34, ठीक।
वहीं साहब 34 पे जितना 9 है उतना 0 रख दीजिए, 3 9 है 3 0 रख दीजिए, बाकी इधर वाले को कुछ नहीं करने का। इनका डिफरेंस देखिए 34 और 21 का डिफरेंस कितना होगा, तो 13 होगा। 34 में से 21 घटा लीजिए तो 4 में से गया 3, 2 में से गया 13, इनमें से 13 घटा लीजिए यानी माइनस 13 यहाँ कर लीजिए। देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, ये बच गया कितना, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, ये बच गया आपको उतना 9, इसमें से इसमें गया था तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 33,987 यहाँ मिला लीजिए, यही इनका जवाब होगा। 3 ट्रिक बताया, जो आपको पसंद आता हो उस ट्रिक को अपना के इसमें कंपटीशन में हॉल में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ये दोनों बराबर है, इस वीडियो को वॉच करें, इसके नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो कैसे बराबर करेंगे। बराबर नहीं वाला भी क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादातर बराबर वाला भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि इस वीडियो को देखें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपके हृदय को दिल को छू गया हो, आपके नॉलेज में 0.0001% का भी इंक्रीमेंट किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी लाइक करें और धूम मचा दें। ये 99.99% लोगों को ये सवाल गलत हो जाता है, नहीं बन पाता है। अभी हमने दोनों बराबर है तो हमने बराबर का बताया, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बराबर कैसे करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। अगर आपको ज़्यादा फास्ट ट्रिक चाहिए तो उसके लिए मजबूरी है कि आपको हमारे साथ जुटना होगा, और हमारे साथ जुटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक परमानेंट के लिए आप नहीं जुटेंगे। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक इस वीडियो को देखें। अगर आपको जहां समझ में नहीं आता है हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, एक नहीं 1000 बार आपको समझाएंगे, ये हमारा आपका वादा है, और हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि मैथमेटिक्स आप तक हम पहुँचाएँगे। आप इसको देखना पसंद करें या देखना नहीं पसंद करें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी फास्ट और सुलझा हुआ ट्रिक जो शॉर्टकट है मैं लेके आप तक पहुँचता हूँ। इससे पहले भी अगर बाकी जानकारी लेना है तो हमारे YouTube चैनल के मैथ FT में जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ लगभग 250 के लगभग वीडियो रखा हुआ है, कोई ना कोई वीडियो आपके जीवन में काम आने के लायक ही वीडियो है, और ऐसा कोई सरछाप वीडियो नहीं है, सारा चीज़ मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, चाहे 9th 10th हो, 6th 7th हो, 8th हो, या किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट हो, चाहे वो क्लर्कियल कैडर हो या कोई भी कैडर के हो, सब के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने प्लेलिस्ट बनाया और मैथमेटिक्स को अरेंज किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका हेल्प चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बगैर आपके हेल्प और सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप हेल्प करेंगे तो हमें आपका हेल्प मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा से अच्छा ट्रिक, अच्छी से अच्छी टेक्निक, अच्छे से अच्छे टॉपिक पे मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। चलिए, आपका समय लिया इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।